नमस्कार, स्वागत है आपका भारत होम्योपैथी के यूट्यूब चैनल में। अगर आपको पीसीओएस की समस्या है तो आपको सलाह दी जाती है कि अपने वेट को मैनेज करके रखें, वेट को बढ़ने ना दें। आप अपनी डाइट ऐसी रखें जो आपके पीसीओएस के सिम्टम्स को बढ़ाए नहीं बल्कि उन्हें कम करने में हेल्पफुल हो। पीसीओएस की जो मेन प्रॉब्लम है जैसे इंसुलिन रेजिस्टेंस, इन्फ्लामेशन, वेट मैनेजमेंट, इसमें हेल्पफुल हो तो ऐसे में आप ड्राई फ्रूट्स को शामिल कर सकते हैं। ये ड्राई फ्रूट्स पोटेशियम रिच रहते हैं, हाई फाइबर रिच रहते हैं, इनमें हेल्दी फैट रहता है, साथ ही साथ इनमें रहता है फिनोलिक कंपाउंड जो कि आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। एक अध्ययन में देखा गया जो डेली ड्राई फ्रूट्स का सही मात्रा में सेवन करते हैं उनकी जो मेटाबॉलिक हेल्थ है वो काफ़ी अच्छी रहती है, काफ़ी इम्प्रूव रहती है। तो अगर सीधे तौर पर बात करें जो पीसीओएस में जोखिम कारक रहते हैं जैसे कि जो हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है, जो हृदय से रिलेटेड हमें समस्या हो जाती है, मधुमेह की समस्या हो जाती है, उनसे हम काफ़ी हद तक बच सकते हैं। इसमें सबसे पहला ड्राई फ्रूट है एप्रिकॉट यानी खुबानी। अगर आप एप्रिकॉट का डेली सेवन करते हैं, सही मात्रा में सेवन करते हैं तो ये आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस यानी इंसुलिन जो लेवल है आपका वो बैलेंस करने में हेल्प करेगा, हॉर्मोन्स को बैलेंस करेगा, साथ ही साथ ही आपके वेट मैनेजमेंट में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है क्योंकि जब आप इसका सेवन करते हैं तो आपको आपका पेट काफ़ी देर तक भरा हुआ लगता है जिसकी वजह से आपको बार बार भूख नहीं लगती है। साथ ही साथ ये जो खुबानी है ये आपको कैंसर से बचाता है जो कि पीसीओएस में हमें बताया जाता है कि जब पीसीओएस ज़्यादा बढ़ जाता है तो इंडोमेट्रियल कैंसर की प्रॉब्लम होती है। आप डेली 3 से 4 एप्रिकॉट का सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राई फ्रूट है अंजीर। ये पोटेशियम का एक अच्छा सोर्स रहता है, साथ ही साथ ही आपके हार्ट हेल्थ को बहुत ही इम्प्रूव करता है, ये आपको हाइपरटेंशन से बचाता है, साथ ही साथ ही आपके हृदय के लिए बहुत अच्छा रहता है, ये आपके ब्लड प्रेशर को कम करता है, हाइपरटेंशन की जो प्रॉब्लम होती है पीसीओएस में उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो आप डेली 2 से 3 अंजीर भिगोकर सेवन कर सकते हैं। नेक्स्ट है बादाम। आयुर्वेद के हिसाब से बादाम को सबसे शक्तिशाली ड्राई फ्रूट माना गया है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर रहता है, कैल्शियम से भरपूर रहता है, साथ ही साथ ये आपके ब्रेन के लिए बहुत अच्छा रहता है। पीसीओएस में जो प्रॉब्लम हो जाती है टेस्टोस्टेरोन हाई लेवल में हो जाता है उसे बैलेंस करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। तो आप बादाम का सेवन भी डेली 3 से 4 भिगोकर कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्राई फ्रूट है काजू। काजू हमारे शरीर में जितने भी एंजाइमेटिक एक्टिविटी होती है उनके लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है, हार्मोन को बैलेंस करता है, इंसुलिन जो रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम हो जाती है पीसीओएस में उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहता है, साथ ही साथ पीसीओएस में जो बहुत ज़्यादा थकान रहती है, मूड स्विंग रहता है, उसमें भी हेल्पफुल रहता है। तो आप पीसीओएस में काजू को भी अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिस्ता। ये आपके वेट को मैनेज करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है, साथ ही साथ ये एंटीऑक्सीडेंट रहता है, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ रहती हैं, ये आपके भूख को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसमें अच्छी मात्रा में फाइबर, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन पाया जाता है जो काफ़ी हेल्पफुल रहता है आपकी पीसीओएस की प्रॉब्लम में। नेक्स्ट ड्राई फ्रूट है अखरोट। ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हॉर्मोन्स को बैलेंस करता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम में काफ़ी हेल्पफुल रहता है। इसमें अच्छी मात्रा में ओमेगा 3 फैटी एसिड रहता है तो जो पीसीओएस में आपको प्रॉब्लम हो जाती है स्किन और हेयर से रिलेटेड उसमें भी ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। तो ये कुछ ड्राई फ्रूट्स थे जिन्हें आप अपनी पीसीओएस की प्रॉब्लम में शामिल कर सकते हैं अपनी डाइट में और अपने जो पीसीओएस के सिम्टम्स हैं उनको कम कर सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि इनका ज़्यादा सेवन आपको नहीं करना है, एक सही मात्रा में इनका सेवन ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आप इन्हें रात में भिगोकर रख दें और सुबह इनका सेवन खाली पेट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।